हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आरजीएस मेंस के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से यह बताया गया है कि आपके मेंस के एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है, साथ ही साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी बताए गए हैं जो आपको फॉलो करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सभी चीजें आपको इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से यहाँ पर बता दी गई हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। इससे पहले मैं क्लास के विषय में आपको बता दूं, यदि आपको किसी भी स्टेट जुडिशियल की प्रिपरेशन करनी है या आपको नए एक्ट के लिए क्लास ज्वाइन करना है तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की, देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आया है। देखिए, ये नोटिफिकेशन है राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के द्वारा निकाला गया है। ये मेन एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द सिविल जज कैडर 2024 के लिए है। ठीक है, आपने प्री दिया था, उसके बाद अब मेंस के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। हालांकि प्री के बाद मेंस के लिए थोड़ा कम समय दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको यहां पर तैयार रहना होगा। आपका जो एग्जाम की डेट रखी गई है, ये देखिए हमने लिखा हुआ है, ये जो मेंस की डेट रखी गई है, ये दो दिन आपका एग्जाम रहेगा। पहला 31 अगस्त को रहेगा और दूसरा डेट है 1 सितंबर को रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छी बात है कि पहले ही इन्होंने ये बता दिया है कि आपकी मेंस के एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है। इससे सुविधा उन स्टूडेंट्स को होगी जो कि अदर स्टेट्स के हैं, उनको रिजर्वेशन कराने में सुविधा होगी कि भाई वो पहले ही वो क्या करा सकते हैं, रिजर्वेशन करा सकते हैं। देखिए, जहां तक संभावना है कि सेंटर जो है आपका जयपुर में ही रहने वाला है, हो सकता है कि बाई चांस कहीं और भी चला जाए, लेकिन संभावनाएं यही है कि आपका सेंटर जयपुर में ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं नोटिफिकेशन में और क्या चीजें बताई गई हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट, यहां पे ये कहा गया है जो एडमिट कार्ड होगा वो आप कहां जाकर निकालेंगे, किस वेबसाइट पर। वेबसाइट का नाम बताया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं www.xcraj.nic.in, यहां पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट का नाम है। साथ ही साथ आप जब एडमिट कार्ड निकालने जाएंगे तो आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी ये ध्यान रखिएगा। पहला, यूजर नेम जरूरत पड़ेगा, दूसरा पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी और तीसरा कैप्चा कोड। ये तीन चीजें आपको यहां पर जरूरत पड़ेंगी। क्लियर। अब मान लीजिए कि पासवर्ड आप भूल चुके होंगे तो वहां पर फॉरगेट नाम का एक लिखा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो दोबारा एक पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या और चीजें मांगी गई हैं। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप क्या क्या चीजें साथ लेके जाएंगे। पहली चीज तो एडमिट कार्ड लेके जाएंगे और उसका एक प्रिंट आउट जरूर करवा लीजिएगा एडमिट कार्ड का। दूसरी चीज, आईडी प्रूफ होनी चाहिए। अब आईडी प्रूफ में क्या होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद ये कहा गया कि जीरोक्स कॉपी होनी चाहिए फोटो आईडी प्रूफ की। ठीक है, इसका फोटो स्टेट आप करवा लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें कहा गया फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। कुछ फोटो आप लेके जाइएगा, 5-6 फोटो तो लेके ही जाइएगा कम से कम। हो सकता है कि कुछ और चीजों में वो लगाएं, जैसे कि आपका दो दिन पेपर होगा, दो सुबह शाम ऐसे करके चलेगा। हो सकता है कि चारों आपके मीटिंग में वो फोटो आपकी लगे, तो कम से कम 5-6 फोटो अपनी आप लेके जाइएगा। आगे यह कहा गया ब्लैक या ब्लू बॉल पेन आप लेके जाइएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप मेंस लिख रहे होंगे उसमें एक ही पेन का यूज करिएगा। ऐसा मत कर दीजिएगा आधा आपने ब्लैक से लिखा आधा आपने ब्लू से लिखा, ऐसी गलती मत करिएगा। सिर्फ एक ही पेन यूज करिएगा और पूरा अपना कॉपी वहां आप लिखिएगा। ठीक है, जो आंसर लिखेंगे पूरा आप एक ही पेन से लिखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहा गया। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि जो बॉटल आप ले जाएंगे पानी पीने के लिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें यह कहा गया है कि आप जब सेंटर पे पहुंच रहे हैं तो 45 मिनट पहले पहुंचेंगे, ये ध्यान रखिएगा 45 मिनट्स पहले पहुंचेंगे। और जब रूम में जाना है आपको तो कितने मिनट पहले, आपको 15 मिनट पहले आपको एंटर करना होगा। ठीक है, रूम में। अब आगे ये कहा गया जो डिसेबिलिटी वाले पर्सन हैं, जो आप डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए कहा गया कि 60 मिनट्स
ये बिफोर पहुंचेंगे सेंटर में। साथ ही साथ ये लोग ध्यान रखेंगे कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल वो ले जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये साथ में अपने रखिएगा। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई हम निकले एग्जाम देने के लिए, कभी जाम की समस्या हो जाती है या कभी कुछ समस्याएं हो जाती हैं, तो यदि आप लेट हो जा रहे हैं तो आप 15 मिनट अगर लेट जाए, जो समय मान लीजिए दिया गया है, मान लीजिए 10 बजे का समय आपका दिया गया है, 10 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होना है, 10:15 हो गया, तो ये 15 मिनट तक आपको एग्जाम देने दिया जाएगा, 15 मिनट के बाद आपको छूट नहीं दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा समय से पहले ही निकलिएगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहां आप रह रहे होंगे, जहां आप स्टे किए होंगे, वहां से सेंटर की दूरी ज्यादा ना रहे। जो भी आप रूम लेंगे कोशिश करिए कि सेंटर के पास अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जाम की समस्या इतनी बढ़ रहती है कि सेंटर तक पहुंचने में दिक्कत हो जाती है, और बारिश का भी मौसम रहेगा। इस कारण आप जब स्टे करिए तो कोशिश करिए कि सेंटर के पास ही कोई रूम मिल जाए, वहां आप ले लीजिए रूम को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए इसमें यह कहा गया है सातवें नंबर पे कि भाई आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं रूम में एंटर कीजिए, तो जो आपकी डेस्क बेंच है आप उसी पे बैठिएगा, अपना रोल नंबर देख के जो रोल नंबर होगा उसी डेस्क बेंच पे आप बैठिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब 5 types of bells आपकी बजेंगी, 5 प्रकार की घंटी बजेगी, ठीक है। तो 5 प्रकार की कौन कौन सी घंटी बजेगी यहां पे मेंशन कर दिया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन बेल आपकी बजेगी 5 मिनट पहले, आपको कॉपी ओपी दे दी जाएगी, और 10 मिनट पहले आपकी वार्निंग बेल बजती है, जब लास्ट में आपका पेपर समाप्त होने को होता है उससे पहले 10 मिनट पहले आपकी बेल बजती है, फिर खत्म हो जाता है फिर उसके बाद बेल बजती है। तो ये आपकी 5 तरह की बेल आपकी बताई गई है कि यहां पर 5 तरह की बेल आपकी बजेगी, ठीक है। देखिए आप 13 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर पे ये लिखा गया है राइट ऑल द आंसर्स इन द सेम कलर ऑफ ब्लिंक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक ही कलर से आप पूरा आंसर करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो भी पेन आप ले जा रहे हैं जैसे ब्लैक है या ब्लू है, तो कम से कम 3 से 4 पेन लेके जाइएगा, कम से कम 3 से 4 पेन लीजिए। हो सकता है कि भाई किसी की इंक खराब हो जाए या कोई प्रॉब्लम उसमें आ जाए तो मांगना ना पड़े, क्योंकि उस समय मांग भी नहीं सकते आप, वो अलग बात है कि लोग दे देते हैं, लोग मांग लेते हैं, लेकिन आप अपने तरफ से पेन लेके जाइएगा, 3 से 4 पेन तो रहे ही रहे आपके पास, ठीक है। देखिए यहां पर लिखा गया है 16 नंबर, आप देखेंगे यहां लिखा गया एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग एनी राइटिंग मटेरियल स्टेंसिल्स एक्सेट्रा विल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मना किया गया है, आप नहीं ले सकते कुछ भी चीज। 20 नंबर पे आप देखेंगे यहां पर लिखा गया है कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, मान लीजिए आप अदर स्टेट से आ रहे हैं, तो कोई भी आपको TA या DA नहीं मिलेगा, ठीक है, ये तो आप पहले से ही आपको पता है, लेकिन यहां पर फिर भी मेंशन कर दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर बताई गई है। 21 पे आप देखेंगे कि आप कोई भी मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, पेजर और एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस, वाइटनर, स्लाइड रूल, ये सब चीजें आपको लेके नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना सिंपल हो सके उस तरीके से आप जाइएगा, अपना खाली एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और पेन, ये सब चीजें लेके जाइएगा। बहुत ज्यादा सामान लेके आप मत चले जाइएगा कि कहीं आपको दिक्कत हो जाए, कि रोक लिया जाए वहीं पर, बाहर ही कह दिया जाए कि भैया ये नहीं आप लेके जा सकते, अब आप कहां रखेंगे, अब जाइए रखने के लिए, अब समस्या यहां आन पड़ेगी। तो कम से कम जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वही चीज लेके जाइए आप। देखिए लास्ट में यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये 22 नंबर पे बताया गया ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। देखिए ये सब चीजें सेम उसी तरह हैं जैसे हमने प्री में आपको बताया था कि प्री में क्या क्या चीजें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है आपको, ठीक वही इंस्ट्रक्शंस आपको मेंस में भी फॉलो करना है। क्या है इंस्ट्रक्शन देख लीजिए ड्रेस कोड को लेकर, मेल अगर कैंडिडेट है तो वो क्या पहनेंगे, शर्ट पहन सकते हैं, ट्राउजर, स्लीपर, ये सब चीजें वो पहन सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप शूज पहन कर ना जाएं, आप स्लीपर ही पहन के जाएं उस दिन, ये ध्यान रखिए, ठीक है। चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, दोनों लोग के लिए मैं ये कह रहा हूं कि वो हो सके तो स्लीपर ही पहन के जाएं, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, ये मेल कैंडिडेट के लिए, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए वो क्या पहन के जाएंगी, सलवार सूट, साड़ी, टॉप, ब्लाउज, स्लीपर, रबर बैंड इन हेयर एंड इफ नीडेड स्वेटर
कार्डिगन, स्वेटर का तो टाइम नहीं रहेगा उस समय, तो ये सब चीजें वो पहन के जा सकती हैं, ठीक है। एंड इसमें और आगे क्या कहा गया है कि कैंडिडेट शैल नॉट बी ए शूज, ध्यान रखिए शूज, सैंडल, सॉक्स, गॉगल्स, बेल्ट, गॉगल्स भी पहन के जाइएगा, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि जो जिनको चश्मा लगा है बिना चश्मे के वो नहीं देख सकते हैं, तो हो सकता है कि उनको अलाउ कर दिया जाए। देखिए इसके लिए बहुत श्योर तो नहीं हूं मैं कि आपको अलाउ कर दिया जाए, लेकिन आप लेके जा सकते हैं अगर जिनको प्रॉब्लम है भाई देखने में, तो हो सकता है कि आपको अलाउ कर दिया जाए, तो आप पहन के जाइएगा, और अगर नहीं अलाउ करेंगे फिर आपको वहां पर टीचर को देना पड़ेगा वो गॉगल्स अपना, ठीक है। तो इसमें और क्या क्या चीजें हैं, शूज हो गया, सैंडल्स हो गया, सॉक्स हो गया, गॉगल्स हो गया, बेल्ट, हेयर पिन, घंटा, ताबीज, स्कार्फ, हैट, कैप, स्टॉल, शॉल, ये सभी चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये सब चीजें अलाउ नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ कहा गया कि कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू वियर बिग साइज बटन, बड़ी साइज वाली जो बटन होती है वो भी अलाउ नहीं है, हो सकता है कि लेडीज में वो पहनती है बड़ी साइज की बटन, तो उनके लिए अलाउ नहीं है। या बॉयज में बात करें कि कोई टी शर्ट या शर्ट ऐसा कोई है जिसमें बड़ी बटन हो तो वो अलाउ नहीं है, उस दिन मत पहन के जाइएगा। तो इस तरह ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये हमने आपको यहाँ पर बता दिया, और इसमें कुछ खास चीजें नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।